67,000 के आसपास विचार जो हमको हर दिन आते हो ऑन एन एवरेज, तो ये कितना बड़ी संख्या में विचार आते हैं और आपको ये विचार जो है ये हमारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। विपश्यना में जाने वाले लोग तीसरे चौथे दिन ये चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मेरा खाना कम हो गया है और अब मेरी नींद कम हो गई है। तो इसका कारण मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अपनी सांसों को देखना शुरू करते हो, पहला फेज जो विपश्यना का है वो तो सांस को देखना है, दूसरा फेज जो है बॉडी की सेंसेशंस को देखना है, लेकिन जब आप अपनी सांसों को देखना शुरू करते हो तो आपके फालतू के जो विचार है वो सारे कम होना शुरू हो जाते। दुनिया भर के मन में एक ही दिन में एवरेज 67,000 के आसपास विचार जो हमको हर दिन आते हैं ऑन एन एवरेज, तो ये कितना बड़ी संख्या में विचार आते हैं और आपको ये विचार जो है ये हमारी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एक मोबाइल से जब हम कॉल लगाते हैं, भारत से जब मैं अमेरिका को कॉल लगा रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरी बैटरी कंज्यूम हो रही। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही कि जब हम बैठते हैं कहीं पर भी कुछ भी सोचना शुरू करते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट होना शुरू हो जाती है। इधर का सोच रहे, उधर का, मन तो इतना इंसान का भटकता रहता है हर क्षण, 10 मिनट भी कहीं पर बैठ जाए तो उसके अंदर 50 विचार तो कम से कम आकर चले जाते हैं, 100 विचार आकर चले जाते हैं। अरे ये तो अभी इसराइल ईरान का वॉर चालू हो गया, इधर वो हो गया, वो हो गया, रशिया यूक्रेन का ही हो गया, वो चिंता दुनिया भर की चिंता हमें हो रही, फिर ये क्या होगा, इलेक्शन में क्या होगा, कौन जीतेगा, ये थी, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई आके मेरे लिए कुछ करता नहीं, लेकिन मुझे खामखा मुझे शाहरुख खान जी की चिंता हो रही है, सलमान खान की चिंता हो रही है, मुझे विराट कोहली की चिंता हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको कोई चिंता जो है, ये सारी चीज़ें चिंताएँ जो हमको हर वक्त चल रही होती है, जो विचार हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, ये विचार धीरे धीरे विपश्यना में कम होना शुरू हो। अब मानिए कि दिन में जिस इंसान को 70,000 विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, वो इंसान आ गया 40,000 के ऊपर, उसका खाना और उसकी नींद लगभग उसी प्रपोर्शन से कम हो जाती है। अब उसका अगर वो 35,000 पे आ जाएगा तो उसकी तो खाना भी आधा हो जाता है और नींद भी आधी हो जाती है, क्योंकि अब आपके बॉडी को उतनी ज़रूरत नहीं है, उतने ज़्यादा अनाज की खाने की ज़रूरत नहीं है, उतनी नींद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए विपश्यना में जो है खाना कम ही दिया जाता है, सुबह एक बार हमको 7 बजे नाश्ता मिलता है, 11 बजे हमको लंच मिलता है, उतने में आपको थोड़ा ही खाना है, मतलब आधा पेट खाना है या 3/4 पेट ही खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना खाना नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे विपश्यना में आपकी नींद और खाना दोनों कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब नींद नहीं आती है उस वक्त आप बिल्कुल मन शांत करके अपने लेटे हुए बेड के ऊपर है, कि रात को कई बार ऐसा होता है कि लोग 1 बजे ही नींद कंप्लीट हो जाती है, 9:30 बजे सो गए, 1 बजे 2 बजे नींद कंप्लीट हो, लेटे रहना है। गुरुजी भी बार बार प्रवचन में यही कहते हैं कि लेटे रहना है, आपको बैठ के साधना नहीं करनी है रात में, रात को लेट के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने बेड के ऊपर भी पड़े पड़े साधना कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। आपके 10 दिन बहुत अच्छे से निकल जाएंगे विपश्यना के, धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करोगे, 20 दिन का कोर्स है, 30 दिन का कोर्स है, तो साइंस भी पूरा अंदर उतर जाएगा। लेकिन शुरू में जाने वाले आदमी को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे तो यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मेरी नींद कम हो गई, मेरा खाना कम हो गया। आपको भागना नहीं है, बस एक्सेप्ट कर लेना है कि मेरे को खाना कम खाना है, नींद कम लेनी है।